Vivo V29e versus MI11X। तो गाइस आज मैं करने वाला हूँ इसी दोनों फोन का कैमरा टेस्ट, कैमरा कंपैरिजन, इंडोर आउटडोर, बहुत सारे फोटोज और वीडियोस मैंने क्लिक किए हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ ताकि आपको पता चल जाए कि इन दोनों में से किसका कैमरा क्वालिटी बेस्ट है। तो प्लीज वीडियो को बिना स्किप के एंड तक देखे रहे, और आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि ऐसे ही वीडियो में आप तक पहुंचाते रहे। हेलो वेलकम दोस्तों, मैं हूं किशोर, आप देख रहे हो राधे बीट। सो आइए चलिए देखते हैं। दोस्तों ये हमारे पास Vivo V29e और MI11X। तो गाइस बात करते हैं Vivo V29e की, तो यहाँ पे आपको ड्यूअल रियर कैमरा सेटअप देखने को मिल जाता है जहाँ पे प्राइमरी कैमरा लगा हुआ है 64 मेगापिक्सल का प्लस 8 मेगापिक्सल। और गाइस बात करते हैं यहाँ पे MI11X की, तो यहाँ पे भी आपको ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप देखने को मिल जाता है जहाँ पे प्राइमरी कैमरा लगा हुआ है 48 मेगापिक्सल का प्लस 8 मेगापिक्सल प्लस 5 मेगापिक्सल। और गाइस बात करते हैं दोनों ही फोन के फ्रंट साइड की, तो यहाँ पे आपको Vivo V29 के अंदर एक 50 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा देखने को मिल जाता है। और गाइस बात करते हैं पे MI11X की, तो यहाँ पे आपको एक 20 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा देखने को मिल जाता है। तो गाइस जैसे ही इस दोनों फोन का आप कैमरा ऐप ओपन करते हो तो यहाँ पे आपको कुछ ऑप्शंस देखने को मिल जाता है। तो फ्रेंड्स इस सभी फीचर्स को यूज करते हुए इसे मैंने ढेर सारे फोटोज और वीडियोज क्लिक किए हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ ताकि आपको पता चल जाए कि इन दोनों में से किसका कैमरा क्वालिटी बेस्ट है। वैसे वीडियो के लास्ट में मैं मेरा ओपिनियन भी देने वाला हूँ कि आपको पर्सनल इन दोनों में से कौन सा स्मार्टफोन जो बाय करनी चाहिए स्पेशली कैमरे के लिए। तो आइए चलिए देखते हैं कुछ फोटोज एंड वीडियो सैंपल। तो दोस्तों जब वीडियो देख रहे हो मैंने इसी MI11X और इसी Vivo V29e के फ्रंट कैमरे को यूज करते हुए क्लिक की है। तो गाइस इन दोनों में से किसी एक स्मार्टफोन से आप व्लॉगिंग वगैरह करते हो तो इसका ऑडियो और वीडियो क्वालिटी जो आपको कुछ इस तरीके से देखने को मिल जाती है। तो फ्रेंड्स आपको इन दोनों से किसके कैमरा क्वालिटी बेस्ट लगी कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा।
दोस्तों अभी जो आपने फोटोज एंड वीडियो सैंपल देखे, मैंने इसी Vivo V29e और इसी MI11X के फ्रंट और रियर कैमरे को यूज करते हुए क्लिक किए थे। तो गाइज आपको इन दोनों में से किसके कैमरे क्वालिटी बेस्ट लगी कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। और दोस्तों बात करते हैं मेरे पर्सनल ओपिनियन की, तो गाइज जो हमने आउटडोर फोटोज क्लिक किए थे वो मुझे Vivo V29e के बेटर लगे, और गाइज जो हमने इंडोर फोटोज लिए थे वो मुझे MI11X के अच्छे लगे, यानी कि जो हमने नाइट में फोटोग्राफी की थी दोनों ही फोन के फ्लैश लाइट को ऑन करते हुए, वो मुझे बेटर लगा MI11X की। अब गाइस बात कर लेते हैं कि आपको इन दोनों में से कौन सा स्मार्टफोन जो बाय करना चाहिए। तो देखो एलाव MI11X जो है एक ओल्ड डिवाइस है और Vivo V29 एक जो लेटेस्ट डिवाइस है, बट उसके अंदर आप कोई भी 4K वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर सकते हो। और यहाँ पे Vivo V29 के अंदर आपको स्नैपड्रैगन 695 प्रोसेसर देखने को मिल जाता है, जो कि इस प्राइस पे बिल्कुल भी वर्थ नहीं है। तो गाइज आपको इन दोनों में से जो भी कम प्राइस में मिलता है वो आप जो स्मार्टफोन बाय कर सकते हो। तो एपी गाइज की आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, अगर आपका कोई भी सुझाव हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। एंड अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो, क्योंकि मैं रोजाना ऐसे ही वीडियो लेकर आता रहता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, आज के इस वीडियो में इतना दोस्तों, थैंक यू सो मच, बाय बाय फ्रेंड्स।